आज थोड़ी देर के लिए मैं जो वचन के जरिए से बोलना चाहता हूं वो है जीवन का मकसद को जानो। जीवन की मकसद को हमें जानना है। मैं आपको पूछूंगा अभी, आपका मकसद क्या है? क्या आपको पता है आपके जीवन का मकसद क्या है? क्या आपको पता है आपके जीवन का मकसद क्या है? यहां पर पिक्चर में आप देखते हैं, बच्चा पैदा होता है, बैठने लगता है, रेंगने लगता है, खड़े होने लगता है, चलना शुरू करता है, चलता है, उसके बाद भागता है, भागने के बाद फिर पढ़ता है, पढ़ने के बाद कुछ बन जाता है, शादी कर लेता है, बच्चा पैदा करता है, उसके बच्चों की शादी कराता है और बहुत कुछ दुनिया में देखता है, और एक दिन बोलिए, एक दिन दुनिया से चला जाता है। क्या यही जीवन का मकसद है? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जितना कमाए उतना ही उनको कम होता है, जितना ही ज्यादा करे उतना ही ज्यादा अंदर एक ख्वाहिश रह जाता है और बोलते हैं और थोड़ा ज्यादा करना था, और ये करना था। कभी भी इंसान जो है, मनुष्य जो है, कभी संतुष्ट नहीं होता है। आपने कभी देखा है कोई संतुष्ट प्राणी को? आप जाकर मुकेश अंबानी को पूछिए, क्या वो संतुष्ट है? नहीं। इसलिए तो सारे किसानों का जमीन भी लेने के लिए आज खड़ा हो गया है ना। अदानी, ना अंबानी, ना बिल गेट्स, कोई भी संतुष्ट नहीं, दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं। जीवन का मकसद आज लोग गलत बातों को समझ लिए हैं। मैं अगर आपको पूछूं अभी कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं? शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, आत्मिक रूप में, कहां पर अपने आप को देखना चाहते हैं? हम अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं? या समय जैसे चलाता है वैसे चलते जाना चाहते हैं? बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को, इंसान को एक मकसद के साथ बनाया है, और जब इंसान को परमेश्वर का मकसद पता हो जाता है तो इंसान का जीवन साकार हो जाता है। कब साकार होता है? कब साकार होता है जीवन? सारे अपने अपने मुंह को घर में रखते हैं क्या? कोई भी बात नहीं कर रहा। जीवन कब साकार होता है? जब इंसान अपने जीवन के मकसद को जान लेता है। एक आदमी एक जगह में खड़ा है तो क्यों खड़ा है? मैं आपको थोड़ा सा और आसान करना चाहता हूं इस सवाल को कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो हमारे सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में हम जो करते हैं वो हमारे मकसद है। मकसद का मतलब क्या है? मकसद का मतलब है, जब सैमसंग कंपनी ने सैमसंग फोन को बनाया, एक पर्पस के साथ बनाया। कोई भी कंपनी, होंडा वाला जो अपने कार को बनाया, एक मकसद के लिए बनाया। आज मैं अपने प्रिंसिपल क्या बात सुन रहा था, वो कह रहे थे हर एक प्रोडक्ट जब बनाया जाता है इंडिया में, जो चीज बनाया जाता है, कपड़ा हो या खाने पीने का चीज हो, कुछ भी हो, वहां पे कोई ऐसी चीज होता है जो कि अपने देश में ही बेचने के लिए होता है और कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है, और लोकल मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो बनाया जाता है उससे फर्क क्या होता है? मैं जब इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड में जब स्टोर में गया और उसी चीज को जो इंडिया में भी खरीदता था वही चीज इंग्लैंड में खरीदा और देखा कि जमीन और आसमान की फर्क है। एक ही देश में, एक ही कंपनी में बनाया हुआ चीज जो एक लोकल क्वालिटी के लिए, लोकल मार्केट के लिए है और एक एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, उसमें क्या है फर्क है। जब इंसान को पता चल जाए कि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम इस लोकल मार्केट के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बनाए गए हैं, तब इंसान को पता चलेगा कि हम कौन है। आपको पता है आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बनाया गया है? हम दुनिया के नहीं है, हम दुनिया में रहने के लिए नहीं है, दुनिया के लिए हम बनाए नहीं गए हैं। मुझे बताइए, आदम को जब प्रभु ने बनाया किसके लिए बनाया? एडन की वाटिका के लिए बनाया, दुनिया के लिए बनाया, किसके लिए बनाया? आदम को जब प्रभु ने बनाया अपने लिए बनाया। प्रभु यीशु जब, परमेश्वर जब इंसान को बनाया किसी के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया। हम अपने नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। तो हमारा मकसद भी
कोई इंसान हमें नहीं दे सकता है, हमारा मकसद भी कोई हमें नहीं दे सकता, हमारा मकसद हमें बनाने वाला ही दे सकता है। हालेलुया। अपने मकसद को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम मकसद को जानते हैं, हमारे जीवन के किसी भी बात को जो है हम प्रथम स्थान नहीं दे रहे, हमारे ज्ञान हो, हमारा धन हो, हमारे दौलत हो, हमारा सब कुछ हो, ये सब कुछ हमारे सामने कूड़ा लगेगा। क्या आपका धन, क्या आपका दौलत, क्या आपका धन आपके सामने कूड़ा लगता है? क्या दुनिया आपके लिए बेकार लगता है? नहीं लगता है। हम दुनिया के कोने कोने में हर एक मजाक चखना चाहते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूं कि जीवन के मकसद को जो व्यक्ति जान लेता है वही असल व्यक्ति है। वो किसी और जगह की और चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग अपने मकसद को जाने ताकि अपने जीवन में संतुष्ट जीवन बिता सके। आज कंफ्यूजन वाली दुनिया में, आज इस घबराहट वाली दुनिया में जो व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद पता होगा वो किसी भी तरह से भटकेगा नहीं, वो किसी भी तरह से किसी भी बात के वजह से अपने जीवन की शांति को खराब नहीं करेगा। हमारे जीवन की शांति को बढ़ाना और काम करने के लिए अधिकार किसके पास है? क्या दुनिया को हमने दे बैठा है? क्या लोगों को हमने दे बैठा है कि लोग कुछ करे, दुनिया कुछ करे तो हमारी शांति खराब हो जाएगी? क्या यह शांति इंसान ने दिया है? क्या यह शांति हमने लोगों से पाए हैं? अगर हमने शांति प्रभु से पाए हैं तो प्रभु के जरिए से हमारे शांति को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। अपने जीवन के मकसद को जाने पौलुस क्या बोलता है? पौलुस यहां पे बोलता है कि मैं पौल, मेरा नाम पौलुस है और मैं क्या हूं? मैं एक बॉन्ड सर्वेंट, इंग्लिश में कहा जाता है बॉन्ड सर्वेंट, मतलब जिसको एक दास के रूप में, नौकर के रूप में बेचा गया है। पुराने नियम में और पुराने जमाने में हिब्रू कल्चर में लोगों को नौकर के रूप में बेचा जाता था और जिस मालिक के हाथ में उसको बेचा जाता था उसका नाम, उसका निशान उसके बॉडी में किसी भी जगह में कर दिया जाता था। इसलिए यह टाटू वगैरह बनाना बाइबल के मुताबिक पाप है, क्योंकि यह टाटू जो है दुनिया की है, जब उसकी मार को हमारे जीवन में लगा देते हैं, हमारे शरीर में लगा देते हैं, हम दुनिया के हो जाते हैं। और जो जिसके शरीर में वो निशान होता था वो उसका गुलाम होता था, लेकिन हर 7 साल में, 7 साल के बाद उस गुलाम को फ्री कर दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आकर हमें क्या किया है? दुनिया की गुलामी से हमें आजाद कर दिया है और अपने प्रेम से हमें अपना दास बना दिया है। पौल कहता है ये मेरा कॉलिंग है। हमारी कॉलिंग क्या है? कि यीशु की सेवा करें। हमारा कॉल क्या है? उसके बाद वो कहता है कि मैं एक प्रेरित बनूं। वो उसका मिनिस्ट्री है, उसकी सेवकाई है। आजकल लोग अपनी बुलाहट और अपनी सेवकाई में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉल क्या है? कि हम प्रभु के दास बने रहें, महिमा पाने के लिए नहीं, आदर पाने के लिए नहीं। आज मैं जब देखता हूं प्रभु के दास लोगों को, जबकि खुद आदर पाने की कोशिश करते हैं, आदर पाने के लिए सब कुछ करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि हम अपने कौम को, अपने उदाहरण को हमने भूल चुका है। हम जब प्रभु में आते हैं, हमारे जन से प्रभु कुछ करना शुरू कर देता है, लोग हमें देखकर ताली बजाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने अगर किसी के लिए प्रार्थना करते वो चंगे हो गए तो उसका जलाल और महिमा सिर्फ प्रभु को जाना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसके वजह से हम कहें कि मैं कुछ हूं। पौलुस क्या कहता है? मेरा मिनिस्ट्री क्या है, मेरी सेवकाई क्या है? ताकि मैं भेजा जाऊं, मैं प्रेरित, प्रेरित का मतलब जिसको भेजा गया है। और वो कहता है कि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि मैं अलग, किस बात के लिए? सुसमाचार के लिए अलग। हालेलुया। ये पौल कौन है? ये पौल साउल है, जिसके पास अधिकार था, बुद्धि था, ज्ञान था, ताकत था, पैसा था। वो अभी क्या कहता है? ये सब कुछ मेरे लिए कचरा है, ये सब कुछ मेरे लिए बेकार है, कचरा है, ये कूड़ा है, ताकि मैं सुसमाचार के लिए अलग जीवन बिताऊं। मसीह लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि हमें अलग किया गया है। हमें क्या कर दिया गया है? किससे अलग किया गया है? अपने भाई बहन से नहीं, दुनिया की ताकत से, शैतान की शक्ति से, शैतान की चलाकी से। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज हम अलग है?
दुनिया से क्या हम अलग जीवन बिताते हैं? क्या हम शैतान और शैतान की शक्ति से अलग जीवन बिताते हैं? दुनिया के लोगों की सोच और हमारी सोच अलग है या सही एक चीज ऐसा है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपने मकसद को नहीं जाना है। अभी मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का मकसद क्या है? मैं आज तीन बात को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। दो बात वो है जो कि हमारा मकसद नहीं है, जिसको हम समझते हैं कि ये शायद हमारा मकसद है, और तीसरी बात ये हमारा मकसद है। पहली बात, आपका वर्तमान आपका मकसद नहीं है, आपकी जो फिलहाल की जो आइडेंटिटी है वो आपका मकसद नहीं है। मेरा ये आइडेंटिटी है सोसाइटी में तो मुझे ही बना के रखना है, मेरा ये काम है तो मुझे ये बना के रखना है, मुझे जिस तरह जाना जाता है उसी तरह ही मुझे रहना है। ये कई लोग का मकसद ये हो जाता है अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। परमेश्वर क्या करता है, हमें कहां से कहां लेकर आता है, कहां से कहां लेकर आ जाता है? आपको पता है कि पहला सामुएल 16 अध्याय में उसके 10 से लेकर 12 आयत में क्या होता है, दाऊद के पास अभिषेक करने के लिए परमेश्वर सामुएल को भेजता है। इन दिनों में पुराने नियम को थोड़ा पढ़िए, पुराने नियम में से बहुत ही गहराई की बात है जो कि हमें समझ में आता है। नया नियम में पूरा नीति पूरा सारे डॉक्ट्रिन बताया गया है, लेकिन पुराने नियम में पूरा एग्जांपल्स बताया गया है। पुराने नियम को जब मैं पढ़ रहा था, पहला सामुएल दूसरा सामुएल पूरा एक दिन बैठकर मैंने खत्म करके ही उठा, मतलब इतनी सारी गहराई पता नहीं मैं कितने बार पढ़ चुका हूं, कितने 100 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन इस हफ्ते में जब पढ़ रहा था इसमें मुझे दिखाई दिया, दाऊद के पास दाऊद के घर में जब सामुएल जाता है, दाऊद के बाप का नाम क्या था, जसीपा जी के घर में सामुएल जाता है, ताकि आप लोगों को याद रहे, दाऊद का बाप का नाम क्या था, जसीपा जी, वो बाजी है। तो वो जब वहां पर जाता है तो वहां वो 7 भाई थे, कितने भाई थे, 7 भाई थे, और उनमें से 6 भाई घर में थे और एक भाई मैदान पे था, लड़ाई के मैदान पे नहीं, जंगलों में। क्या कर रहा था जंगलों में, वहां पे भेड़ों को चरा रहा था। और जब सामुएल उसके घर में आता है, प्रभु कहता है इसी घर में से ही तो एक राजा को अभिषेक करना है, मसा करना है। उस वक्त दाऊद का हालत क्या था, दाऊद का आइडेंटिटी क्या था, दाऊद सबसे छोटा था, बोलो सबसे छोटा, और उसके बाद दाऊद घर में नहीं था, उधर था, कहीं और है, पता नहीं किधर है, उधर है, पढ़ा रहे। तो सामुएल जब पूछता है, वो उसका बाप बोलता है पढ़ावा नहीं, पी कर नहीं, लेकिन काम करते हुए कहीं बाहर है, बाहर था, और तीसरी बात भेड़ों को चरा रहा था। उसकी जो वर्तमान की परिस्थिति था वो क्या था, उसके बाप की नजर में, उसके भाइयों के नजर में, कि वो सबसे छोटा है और वो कहीं जंगल में पड़ा हुआ है और वो छोटा सा काम करता है। आजकल लोग अपने जीवन में जो भी परिस्थिति है वो क्या बोलते हैं, यही मेरे माथे में लिखा गया है और इसी के लिए ही मुझे जीना है, मुझे इसमें सही समझौता करना है, मुझे इसी के साथ ही जीवन बिताना है। लेकिन दाऊद जब वापस आता है, दाऊद को जब बुलाया जाता है, क्योंकि 6 भाइयों को सामुएल ने मना कर दिया, उसके बाद जब 7वां भाई को जब घर में बुलाया जाता है, सामुएल देखता है, सामुएल जब उसको बुलाकर उसके पास अगर बैठने के लिए बोलता है तो सामुएल कुछ इंटरप्रेट करता है, क्या वो क्या देखता है, वो जो है लाल रंग का, उसका बदन कैसा था, लाल रंग, गुस्से में लाल रंग नहीं था, लेकिन उसका बॉडी, हिस्टोरियंस के मुताबिक यीशु मसीह का भी जो चेहरा था वो भी इस तरह के था। यीशु मसीह का भी जो जन्म था दाऊद के गोत्र में था, ही वॉज रेडी, एंड उसकी आंखें कैसे था, 12 आयत में लिखा गया है उसकी आंखें, किसी अगर है मिला है तो पढ़िए थोड़ा पंजाबी में या हिंदी में, 12 आयत में दिखा गया, पढ़िए जल्दी, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया है, उसने उसके तो लाली चरवटी दी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था, उसकी आंखें कैसा था, सुंदर था। इंग्लिश में लिखा गया है ब्राइट आईज, ब्राइट मतलब चमकता था, उसकी आंखें चमकता था, जंगल में रहने से क्या हुआ, आंखें चमकते थे, उसके बाद वो खूबसूरत था, गुड लुकिंग। आज हर एक व्यक्ति गुड लुकिंग देखना चाहता है ना, हर कोई,
कोई मेकअप के साथ, कोई हेयर स्टाइल के साथ, कोई कपड़ों के साथ। आजकल तो कैमरा बन गया है सेलफोन्स में, इतने एप्लीकेशन से आप कोई भी हो। पिछले दो हफ्ते पहले एक न्यूज आया था, एक शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने तलाक दे दिया और उसके ऊपर 20,000 pounds का क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना भी लगा दिया, फाइल कर दिया, केस में सू किया, क्योंकि शादी से पहले वो औरत का पिक्चर जो था कुछ और था, शादी के बाद जब मेकअप उतारा तो बड़ा भयंकर था, सेलफोन का कमाल ही है। तो फेसबुक में सेलफोन में ज्यादा डूबना नहीं। तो लेकिन दाऊद असल में गुड लुकिंग था, और जब सामुएल ने उसको मसा किया, प्रभु कहता है इसको मसा कर, दाऊद को जब मसा कर दिया गया तो दाऊद के जीवन में क्या होता है, वो उसको किस बात के लिए मसा कर दिया गया, राजा बनने के लिए मसा कर दिया गया, लेकिन बताया नहीं गया, बोलो बताया नहीं गया, जो से बोलिए बताया नहीं गया कि तुझे दाऊद का सामना करना पड़ेगा। उसको बताया नहीं गया कि इस देश का राजा तेरे खिलाफ हो जाएगा, उसको बताया नहीं गया था कि तेरा बेटा अबसालम एक दिन तेरे खिलाफ लड़ाई करेगा, उसको बताया नहीं गया था, लेकिन ये सब आया। जब ब्लेसिंग हमारे जीवन में होता है, जब हम प्रभु अलग कर देता है, प्रभु मसा करता है, एक्सपेक्ट करे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे जीवन में जरूर आएंगे। हालेलुया। जब मुश्किल आते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये मुश्किल तूने मुझे क्यों दिया, क्या मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्या मैं चर्च नहीं जाता हूँ, क्या मैं दशमांश नहीं लेता हूँ, क्या मैं तेरी सेवा नहीं करता हूँ। सुनिए, जितना बड़ा दर्शन होता है उतने बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। आपको समझ में आई मेरी बात? जितना बड़ा दर्शन प्रभु आपको देता है, जितने बड़े कॉलिंग में, जितने बड़े दान के साथ, जितने बड़े सेवकाई के साथ आपको प्रभु बुलाता है, आपके जीवन में उतने ही बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगे। हालेलुया। मुसीबतें क्यों आते हैं? लोग देखकर बोलेंगे ये तो गीत गाने वाला था, ये तो प्रार्थना करने वाला था, ये तो वचन पढ़ने वाला था, ये तो प्रचार करने वाला था, ये तो सच बोलने वाला था, ये तो सेवा करने वाली थी, लोग बोलेंगे। लेकिन हमें पता है जितना बड़ा कॉलिंग उतना बड़ा चैलेंज। हालेलुया। जब चुनौती आता है, जब चैलेंजेस आता है, भाग नहीं जाना प्रभु से, दूर नहीं हो जाना प्रभु से, प्रभु से सवाल नहीं करना। आपको पता है दाऊद ने एक बार भी प्रभु से सवाल नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं किया। लेकिन उसने प्रभु से कहा था, प्रभु जी ये दुश्मन जो है मेरे सामने, ये जो शेर के समान दांत वाले हैं, इनको सहने के लिए मुझे ताकत दे। हालेलुया। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका वर्तमान आपका मकसद नहीं है। शायद आजकल के दिनों में पैसों की कमी आ रहा होगा, तबीयत की कमी हो रही होगी, परेशानी आ रही होगी, ये आपकी मकसद ये नहीं बोलता, शायद यही मेरे किस्मत में लिखा गया है, आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा गया है। आपके जीवन का मकसद ये नहीं, आपका मकसद है कि आपको कुछ गुजरात को सामना करना है, आपको कई जो गोलियात थे उनको सामना करना है। हालेलुया। बोलिए मुझे मेरे गोलियात को सामना करना है। दाऊद ने कैसे सामना किया? दाऊद गोलियात का सामना कैसे किया? दाऊद छोटा सा लड़का था, तकरीबन 11-12 साल का लड़का था, और गोलियात अच्छा ट्रेन मसल के साथ लंबा आदमी, 9 feet का आदमी, 9 feet के आदमी के सामने छोटा सा लड़का, आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है, आपकी बीमारी इतनी बड़ी है, आपके विरोधी इतने बड़े हैं, आपके सामने चैलेंज इतना बड़ा है, और आप दाऊद के सामने, इस गोलियात के सामने खड़े होकर आप क्या कर रहे हैं? आपको लड़ना ही पड़ेगा। बोलो हमें लड़ना ही पड़ेगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा। अपने भाई बहन से नहीं, अपने सास ससुर से नहीं, अपने ननद से नहीं, अपने बहू से नहीं, गोलियात से। हालेलुया। क्योंकि गोलियात ही आपको आपके मकसद की तरफ लेकर जाएगा, और आपको आपके गोलियात को हराना ही पड़ेगा, और कुछ कब ये है आप जरूर हराओगे। हालेलुया। साउल क्या बोलता है? तू काल का लड़का है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये कपड़ा, ये जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म, ये पहनना पड़ेगा, तलवार लेना पड़ेगा। दाऊद पहन कर देखा थोड़ी देर और बोला राजा महाराजा इसलिए इसके जरिए से मैं चल भी नहीं पाता हूं, लड़ाई करूंगा कैसे, वैसे ही चला गया दाऊद गोलियात के सामने, वैसा ही चला गया। आप जैसे हैं वैसे ही शैतान का सामना करें, लेकिन आपके पास प्रभु का मसा रहे। हालेलुया। वही क्या बोलते हैं इसको, गुलेल, वही गुलेल था, वही हाथ था, वही ट्रैक, वही ट्रेनिंग था, लेकिन उसके पास प्रभु का मसा था। हालेलुया। सामुएल ने अभिषेक कर दिया था, सामुएल का अभिषेक उसके ऊपर था,
बार बार प्रभु से ना कहे प्रभु ताजा मसा दे दो, ताजा मसा दे दो, क्या मसा कभी बासी हो जाता है? हैं? पवित्र आत्मा के पुराना होता है, कभी पुराना होता है? मैंने सुना है कि प्रार्थना प्रभु आज गढ़ा मसा है, क्या कभी पतला मसा भी होता है? हैं? प्रभु कभी नहीं बदलता है। इब्रानियों उसका 13:8 में लिखा गया प्रभु यीशु काल आज और हमेशा एक अपने एनॉइंटिंग के ऊपर कभी शक नहीं करना, कॉन्फिडेंस के साथ दाऊद गोलियत का सामना करना। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जहां पर जैसा चाहिए जितना चाहिए उतना वो बराबर आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। कई लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं बोलना चाहता हूं आपको आपकी गोलियत को सामना करना ही पड़ेगा। दाऊद कैसा सामना किया? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है गोलियत, तू बड़ी तैयारी के साथ COVID-19 बन के आया मेरे सामने, तू बड़ी तैयारी के साथ मेरे गिरा को ले गया, तू बड़ी तैयारी के साथ मेरे परिवार में क्लेश डाल दिया, तू बड़े तैयारी के साथ ये सब कुछ बेकार कर दिया, लेकिन आज तेरा सर मेरे हाथ में होगा। हालेलुया। है कॉन्फिडेंस इतना? है कॉन्फिडेंस इतना? है कॉन्फिडेंस इतना? आज इस कॉन्फिडेंस को लीजिए, क्योंकि आपका मकसद आपका गोलियत नहीं है, आपका मकसद आपके गोलियत नहीं है, वो आपका वर्तमान है, आपका मकसद कुछ और है। दूसरी बात, आपकी जरूरत आपके मकसद नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने जरूरत के लिए जीता हूं, पेट के लिए तो सब कुछ चलेगा, ये मैं करना नहीं चाहता था, यहां पे आना नहीं चाहता था, करना पड़ा जरूरत की वजह से। जरूरत हमारा मकसद नहीं है। कई लोग आज पैसा कमाने को अपना मकसद बना चुके हैं, कई लोग अपने घर को पालन पोषण करने को अपना मकसद बना चुके हैं, कई लोग जो है अपने आप को और ज्यादा स्टैंडर्ड करने के लिए मकसद बना रहे हैं, कई और ज्यादा एजुकेशन पाने को अपना मकसद बना चुके हैं। योर एजुकेशन योर मनी इज नॉट योर पर्पस। हमारा पर्पस ये नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे पास्टर जी अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो घर को कैसे चलाएंगे? घर को चलाना इंपॉर्टेंट है लेकिन मकसद नहीं है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मकसद नहीं है, अपने एजुकेशन को बड़ा करना ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां पे रहोगे, क्या पहनोगे, इसके लिए क्या करो? फिकर मत करो। हम करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं क्योंकि हमें अपने मकसद को जानने में देर होगी। अब सालम जो है दाऊद का एक बेटा था, दाऊद का बेटा, वो उसने क्या किया, अपने लिए सब कुछ प्रबंध किया, अपने लिए वो सब कुछ अपने नजर से अपने तरीके से अपने ज्ञान से प्रबंध किया। कैसे प्रबंध किया? जो भी कोई आता था दाऊद के पास जाने नहीं देता था, वो खुद सामने आके बोलता था मेरे सामने बोलो मैं करूंगा, और लोगों को वो ऐसी ऐसी बहकाने वाली बात करके अपने तरफ खींच कर ले गया। आज जो भी मैनिपुलेट करके हम अर्न करते हैं उसको रखने के लिए भी मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा, वो प्रभु के ओर से नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु के एनॉइंटिंग में, प्रभु के कॉलिंग में, प्रभु के मसा में अपने मकसद के साथ चलते रहे, सबसे पहले उसके राज्य को उसके मकसद को आप ढूंढते रहे, ये सारे वस्तुएं आपके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। जब हमें किसी बहाना करके बना चुना कर किसी को अगर हम अपने लिए रखने की कोशिश करते हैं, धन हो, ज्ञान हो, लोग हो, हमारे पास टिकेंगे नहीं वो। लेकिन जो हम सच्चाई के साथ, जब अबसालम ने अपने आप को राजा करके ऐलान भी कर दिया, अपने बाप के खिलाफ वो बगावत कर दिया, और अबसालम को सपोर्ट करने वाले कई लोग दाऊद को जो है बद्दुआ देना शुरू कर दिए, उसके ऊपर पत्थर फेंके। आप जाकर 15-16 अध्याय पढ़ लेना दूसरा समूह का। वो ये सारे दाऊद के लिए कर दिए। दाऊद कमजोर व्यक्ति नहीं था, ये वो कमजोर था, दाऊद गोलियत को सामना किया, अभी महाराजा बना हुआ है, वो कमजोर नहीं था, लेकिन जो उसके खिलाफ बगावत कर रहा है उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। वो पता है वो क्या बोल रहा है? अगर परमेश्वर मुझे मारना चाहे वो मार दे, क्योंकि उसकी मर्जी सबसे बड़ा है, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारे देश में कहावत है दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, इसमें बहुत ताकत होता है।
नहीं, ये हमें क्या करता है, अबसालम ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, फुसलाकर बहकाकर डराकर लोगों को अपने राज्य में लेकर आया और बोला मैं राजा हूं, मुझे राजा बनाना। दाऊद को अपने घर से निकाल दिया, दाऊद को जो है भगाकर उसको मारने के लिए कोशिश किया। पता है क्या है, जिन्होंने अबसालम को विजडम दे रहे थे, गाइड कर रहे थे, वही एक दिन उसके लिए उसके खिलाफ बन गए। हमारी प्रोविजन, हमारी जरूरतों को अगर हम अपना मकसद बना देंगे, वही जरूरत हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर करेगा, वही जरूरत हमें पाप करने के लिए मजबूर करेगा, वही जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत ख्याल दिमाग में शैतान लेकर आएगा। इजी मनी, इजी सक्सेस, शॉर्टकट रास्ता, प्रभु हमारे लिए कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं बनाया है। जो भी हम शॉर्टकट रास्ते में जाकर काम करने की कोशिश करते हैं वो बेफल हो जाते हैं, वो हमें कभी भी ऊपर लेकर नहीं जाते हैं, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके हाथ में डिसीजन है, आप सफल होना चाहते हैं या थोड़ी देर की मजा लेना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए लोग वाह वाह करेंगे, वाह इतना अच्छा बना दिया, वाह ये कर दिया, लेकिन रेत के ऊपर बनाया गया घर आंधी और तूफान आने से क्या हो जाएंगे, हमारा घर अगर हम रेत से बनाते रहेंगे, मील झूठ में, फर्ज में, अहंकार में, घमंड में, यह अगर सारा हमारा बुनियाद होगा, हमारा घर जरूर टूट जाएगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर पत्ते के साथ ढांक मत दो, वहां पे मिट्टी भरो, वो उसको अच्छी तरह से दबाओ, नहीं तो आप ही खुद उसी गड्ढे में गिर जाओगे। अबसालम ने दाऊद के खिलाफ गड्ढा खोदा, वही खुद गिर गया। जरूरतों को इतना भी ज्यादा एप्रिशिएट ना करें। आपके जरूरत है, फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा गया है, विश्वासियों के लिए प्रभु कहता है मैं यहोवा यही हूं, तुम्हारे सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। प्रभु को, प्रभु की कॉलिंग को, प्रभु के मकसद को आप देखिए, उसके पीछे पीछे जाइए, आपके लिए कस्टमर प्रभु जरूर मुहैया करेगा, आपके लिए चंगाई प्रभु लेकर आएगा, आपके घर में शांति प्रभु लेकर आएगा। आज लोग प्रभु को प्रथम स्थान देना नहीं चाहते हैं, अपने विचारों को, अपने ख्वाहिशों को, अपने पसंद को प्रथम स्थान देते हैं और सारे बरकत को खो देते हैं और बाद में प्रभु को दोष लगाते हैं। हमारा मकसद जो है हमारी जरूरत की तरफ नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। हमारी जरूरतों के अगर हम मकसद बना लेंगे, जरूरत की वजह से ये करना पड़ा, जरूरत की वजह से यहां पर जाना पड़ा, नहीं, जरूरत आपका मकसद नहीं। आपका मकसद जब आप जान लोगे, आपकी जरूरत प्रभु मुहैया करेगा। जब परमेश्वर मुहैया करता है, जब प्रभु आपके जीवन में लेकर आता है, जब प्रभु देता है, तो कोई भी आपसे छीनकर नहीं ले जा पाएगा। जो दरवाजा प्रभु खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा, जो दरवाजा परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं पाएगा। आपके जीवन में जो भी है, कहां से है, किससे है, हमारी जरूरतें हमारे मकसद नहीं होनी चाहिए। हमारी जरूरतें हमारे मकसद नहीं होते। परमेश्वर यीशु मसीह जब यरूशलेम में गया, गधे के ऊपर बैठने से पहले यरूशलेम में जब आया, उसने शहर को देखा और उसने क्या किया, बाइबल जितनों ने पढ़ा है बोलिए, जब यरूशलेम को, यरूशलेम की शहर को जब यीशु ने देखा, तो यीशु ने क्या किया, यीशु रोया। क्या शहर में कोई प्रॉब्लम था? उसके बाद यीशु शहर में जाता है, शहर के बाहर, शहर के अंदर एक मंदिर था, वो मंदिर में जब गया वहां पे प्रॉब्लम था, तो परमेश्वर मंदिर को देख के रोना था ना, तो शहर को देख के क्यों रो रहा है परमेश्वर? उस मंदिर को, यीशु मसीह उस मंदिर को देखकर रोना चाहिए था, शहर को देख के क्यों रो रहा है? यीशु मसीह को पता था मंदिर के वजह से तो शहर आज पर प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। आज प्रभु के लोगों के वजह से जो लोग अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं लेकिन प्रभु के वचन के मुताबिक चलते नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अपने मन मर्जी के मुताबिक चलते, जो दिल चाहे वही बोलते हैं, जो दिल चाहे वही करते हैं, उनके वजह से पूरा देश आज अभिशाप में आया हुआ है, पूरे गांव आज बेकार हो गया है, पूरे देश आज बेकार हो गया है। प्रभु मंदिर को देख के नहीं रोया, प्रभु शहर को देख कर रहा है, क्योंकि उसको कंपैशन आता है। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, अगर वो अपनी बुराई से मुड़ेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और देश को क्या करूंगा, चंगा करूंगा। परमेश्वर ने नगर को देखकर रोया,
और जाकर उसके बाद मंदिर को जाकर धोया। मकसद हमारी जरूरत नहीं है। लोग उस दिन मंदिर में जाकर अपनी जरूरत की वजह से, जरूरत के कारण चीजों को बेच रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे अपने फायदा के लिए। अभी मैं आ रहा हूं, आपका मकसद क्या है? आप जिसका पीछा करते हैं वही आपका मकसद है। बोलिए, आप जिसका पीछा करते हैं वही आपका मकसद है, वही आपका मकसद। अभी लोग, अभी आप जवाब अपने आप को दीजिए, आप किसका पीछा करते हैं? सुबह उठते ही किसके पीछे भागते हैं? शरीर के पीछे, शरीर की ख्वाहिश के पीछे, लोगों के पीछे, झूठ के पीछे, फरेब के पीछे, कंपटीशन के पीछे? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हमारे सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो सपना हमें चुकना चूर कर देगा? क्या हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? दाऊद जब प्रभु के पीछे चलना बंद कर दिया, आपको पता है दाऊद एक बार बहुत ही खतरनाक गिर गया था। दूसरा सामग्री उसके 11 अध्याय में लिखा गया है, आप जाकर घर में पढ़ लेना। उसी समय जब राजा को बाहर जाना था, अपनी सेनाओं के साथ जब प्रभु की आज्ञा के मुताबिक उसको जाना था, प्रभु की अगुवाई के मुताबिक उसको जाना था, प्रभु की अगुवाई हुई, अपने सेनाओं को भेज दिया, अपने दोस्तों को भेज दिया, अपने दासों को भेज दिया, और वो खुद घर में रह गया। हम अगर प्रभु की अगुवाई के मुताबिक चलते नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक हम अगर रुक जाते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर हम कदम ले लेते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक पाप वहां दाऊद ने किया था। पता है उसने क्या किया था? घर में बैठ गया, सब चले गए, अभी पूरा राज्य खाली है, सारे जो सोल्जर है, सेनाएं जो है, फौज है, वो चले गए हैं। वो सब उठकर घर के बाहर आंगन में गया, उसके गैलरी में गया और देखा कि बैत्सबा नहा रही है, और उसको बुलाकर लेकर आकर उसके साथ गलत काम करता है और वो पाप करता है। वो किसके पीछे किया? अपनी मन मर्जी का पीछा किया। उसको लगा कि आज मुझे नहीं जाना है प्रभु के पीछे, एक दिन मुझे प्रभु के पीछे नहीं जाना है, मैं मनमर्जी करूंगा। देखिए, सुनिए, जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं, प्रभु के पीछे चलना बंद कर देते हैं, अपनी मनमर्जी के मुताबिक हम जब कदम लेते हैं, प्रभु कहता है उसे माफ कर, हम बोलते हैं नहीं, हम अपनी मर्जी करते हैं। प्रभु कहता है कि तू ये कर और हम नहीं करते हैं, तो हम अपनी मनमर्जी करते हैं। प्रभु कहता है कि अपने आप को नम्र कर दे और हम बोलते हैं नहीं हो पाएगा। प्रभु कहता है कि यहां पर जो है तू इसके लिए एक अच्छी गवाही बन, हम नहीं बनते हैं। प्रभु कहता है कि तूने जो सेवा मेरे से पाया उसको कर, हम नहीं करते हैं। पता नहीं ऐसी कई बात है जो प्रभु कहता है हमें कर। जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रभु बात करता है, जब हम चर्च में आकर कलाम सुनते हैं प्रभु बात करता है, जब हम गवाही को सुनते हैं प्रभु बात करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बात करता है। प्रभु बात तो करता है जरूर, लेकिन उसके बाद हम कदम लेते नहीं है। कदम क्या लेते हैं? वचन, वचन की जगह में रख देते हैं और हमें जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? अपनी मनमर्जी करते हैं और उसके बाद पाप में पड़ जाते हैं। दाऊद अपने जीवन के सबसे बड़ा पाप यहां पर वो पड़ गया था, और जब वो पड़ गया, प्रभु के पीछे चलना जब बंद कर दिया। जब हम प्रभु के पीछे चलना बंद कर देते हैं, अगर इस तरफ प्रभु खड़ा है, हम इस तरफ जाना बंद कर देते हैं, अपने मन मर्जी में चलना शुरू कर देते हैं, प्रभु के तरफ बरकत है, शांति है, चंगाई है, जीवन है, वहां से उसको हम पीछा करके, उसको हम मुड़कर हम दूसरे तरफ चलते हैं, हम जितना प्रार्थना करें बरकत उधर है, हम जितना फास्टिंग करें बरकत उधर है, हम जितना भी कुछ करें, हम बोलते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम किधर आगे बढ़ रहे हैं? ऑपोजिट, उल्टे दिशा में हम ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं इधर हूं,
मैं शांति दूंगा, मैं विश्राम दूंगा, हम बोलते नहीं हमें ये ओखा लगता है, ये हम माफ नहीं कर पाएंगे, उन ये सही नहीं हो पाएगा हमारे साथ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम प्रभु के तरफ जाने की बगैर हम अपने मन मर्जी की तरफ जाते हैं, बोलते हैं मुझे बरकत क्यों नहीं हो रहा है, शांति क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है हम अपने मन मर्जी को अपना मकसद बना दिया है। हम किसका पीछा कर रहे हैं? अपना। आज समय है प्रभु के पीछे आए, प्रभु के पीछे जाए। हमारी जो मंजिल है, हमारे जो गोल्स है, उसको और अपने मकसद को कंफ्यूज मत करें। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल यह है कि मैं लोगों को प्रभु के साथ गहराई के रिश्ता बनाने की मदद करूं। मेरा गोल यह है कि लोगों को मैं सिखाऊं, प्रचार करूं और लोगों को इंस्पायर करूं, लोगों को आगे बढ़ाने की मदद करूं, हमारी अपने कलीसिया बनने के लिए कोशिश करूं और जितने भी इंडिया के लोग इधर है सबको मैं सुसमाचार पहुंचाऊं। ये मेरा गोल है, लेकिन मकसद नहीं है। गोल ये है कि मैं सबके लिए गवाही बनूं, ये लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है। गोल ये है कि मैं सबके जितना हो सके उतना मदद करूं, लेकिन ये मेरा पर्पस नहीं है। पता है पर्पस क्या है? पौलुस कहता है मैं सेट अपार्ट हूं ताकि प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं एक सुसमाचार बनू, सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पल ऑफ गॉड। वो क्या है? पतरस यूहन्ना को देखा, युवकों को प्रभु कहता है अलग हो जा और अपने विदर्शन को देख। यूहन्ना के 21 उसके 1 और 2 में, 21 और 22 में पतरस बोलता है ये जो यूहन्ना यहां पे लेटा पड़ा है प्रभु आपके छाती के ऊपर सर रखकर ये लेटा पड़ा है, इसका क्या होगा? ये पतरस हमारी कलीसिया का नहीं होगा, पतरस जो है हमारी कलीसिया का ही होगा शायद। वो बोलता है प्रभु जी इसका कुछ करो, मैं तो ठीक हूं, मैंने 3 बार अस्वीकार कर दिया, मैंने पश्चाताप कर दिया, ये आराम से लेटा हुआ इसका क्या होगा? प्रभु क्या बोलता है? भाई साहब, भाई बहन इसके बारे में बोलना छोड़ दे, तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन का मकसद, हमारा जीवन का पर्पस हमारी गोल्स नहीं है, हमारे विजन्स नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे सृष्टिकर्ता के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। शायद सब ने अपना मुंह अपने घर में छोड़ के आ गए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हमारा मकसद क्या है? पासे जी आप जितना बताते रहो हम वही बोलेंगे, हम वही करेंगे, हम तब बोलेंगे जब हमें मन करेगा, है ना? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यीशु मसीह के पीछे पीछे आज्ञा मानते हुए चलना है। मकसद क्या है हमारे जीवन का? प्रभु के पीछे चलना। प्रभु ने क्या था मत्ती उसका 28 उसका 18-19 में, जाओ सब जाति के पास प्रचार करो ये तुम्हारा गोल है, टीच करो ये तुम्हारा गोल है, सिखाओ ये तुम्हारा गोल है, और उनको क्या बनाओ? क्या बनाओ? मसीही बनाओ नहीं बोला है, चर्च का मेंबर बनाओ नहीं बोला है, दूसरा धर्म को बदलाओ ये नहीं बोला है, चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। ये क्या है? शिष्य का मतलब क्या है? अपने मास्टर, अपने मालिक, अपने गुरु को देखकर उसके कदम कदमों में रहकर उसके जरिए से उसके समान बनना। हमारा गुरु कौन है? मैं प्रीचर हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं गुरु नहीं हूं। गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो सतगुरु है, सच्चा गुरु है। उसके कदमों में बैठकर उसके समान बनना, उसके पीछे पीछे। आज मसीह लोग बहुत है लेकिन यीशु के साथ चलने वाले लोग, यीशु के समान चलने वाले बहुत कम है। हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा आज ये वचन इसलिए देता है कि हम यीशु के पीछे चलने वाले बने, हम यीशु के साथ चलने वाले बने और यीशु में चलने वाले बने। हालेलुया। जब हम यीशु में चलेंगे, पतरस जब यीशु में चलने लगा, पतरस जब यीशु में चलने लगा तो बड़े बड़े काम उसके जीवन में हो गए। बड़े बड़े काम करना उसका मकसद नहीं था, यीशु के पीछे चलना उसका मकसद था। और उस क्या कहता है? मेरे लिए जीना, मेरे लिए जीना कलीसिया बनाना नहीं बोल रहे हो, मेरे लिए जीना मसीह है। हमारे लिए जीना क्या है? जीना यहां, मरना यहां,
इसके सिवा ये दुनिया का मकसद है। हमारा मकसद क्या है? आज तक आपका मकसद जो भी था, लेकिन आज बदल दीजिए। आज मकसद ये बनाइए, प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलने के लिए अपने मकसद को बदल दूं। हमारा मकसद तभी होता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। ये माइक तब चलेगा, ये माइक तब चलेगा जब ये स्पीकर के साथ कनेक्टेड रहेगा। हमारा जीवन भी तभी मकसद को पूरा करेगा जब अपने जीवन के मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। हम अपने आप को देखिए, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है आज? क्या हम जुड़े हुए हैं या कनेक्शन टूट गया है? कनेक्शन तब टूट जाता है, पता है कनेक्शन कैसे टूटता है? प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन कैसे टूटता है? जब पाप आता है। पाप क्या है? लोगों का कत्ल करना ही पाप नहीं है, अपनी मनमर्जी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, अपने इशारे में चलना पाप है, जो भी प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है वो है पाप है। मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स आपके पास जितने भी हो, कष्ट आपके चाहे जीवन में चाहे जितने भी हो, दिक्कतें आपके जीवन में जितने भी हो, आज अगर हम प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु में चलना, उसका मकसद बना देंगे पौलुस के समान, चाहे जितनी भी बड़ी ताकत हो, जितनी भी बड़ी दिक्कत हो, जितने भी प्रॉब्लम हो, हम दाऊद के समान गोलियत का सामना कर पाएंगे। आज मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग दाऊद के समान बन जाइए, पौलुस के समान बन जाइए, और प्रभु में जीवन बिताना अपना मकसद बना लीजिए। हमारा मकसद क्या है? प्रभु में जीवन बिताना है। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मैन इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन मैन। हमारे हम में मसीह और हम मसीह में। यूहन्ना 15 का 8 में क्या लिखा गया है कि अगर तुम मुझे बने रहोगे और मैं तुम्हें बना रहूंगा तो तुम बहुत फल लेके आओगे, जिसको देखकर पिता महिमान्वित होगा। इंसान के सामने, प्रतिमाओं के सामने, किसी चीजों के सामने, किसी शक्ति के सामने सर नहीं झुकाना, वहां पर मकसद नहीं है। हमारा मकसद जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देकर उसके साथ जीवन बिताना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने आप को देखें, आज हमारा मकसद क्या है? क्या हमारा मकसद प्रभु में चलना है? मकसद हमारा क्या है आज? क्या हमारा मकसद हमारा जरूरत बन गया है? क्या हमारे मकसद हमारे ख्वाहिश बन गया है? क्या हमारे मकसद आज हमारा वर्तमान, हमारे पोजीशन, हमारा आइडेंटिटी बन गया है? जीना मसीह है और मरना नफा है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना लाभ है। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरे जीवन का मकसद वही है। आज कितने लोग बोलना चाहेंगे कि मेरे जीवन का मकसद यीशु है? यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, चंगाई, तेरे मकसद में रहने के लिए आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बहुदायत से और भरपूर के साथ हम सबों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन।